राजधानी रायपुर में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। आयोजक बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने कहा कि 14 तारीख को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने जा रहे हैं। मणिपुर सरकार ने इस यात्रा को शुरू करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब आंशिक अनुमति दे दी है। वहीं यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 14 राज्यों में यह यात्रा जाएगी। साथ ही इस यात्रा का समापन मुंबई में होगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में अजीब तरह का माहौल बना है। इस यात्रा का मकसद उस माहौल के खिलाफ लोगों को न्याय दिलाना है। 14 तारीख को राहुल गांधी जी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सबको विदित होगा, कुछ समय पहले कार्य समिति की मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की दिल्ली में, और कार्य समिति के सभी सदस्यों ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जो भारत जोड़ो यात्रा पहले हुई थी केरला से कश्मीर तक, एक और यात्रा को वो अंजाम दें। और राहुल जी ने फिर वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों की राय को स्वीकार किया, उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरम्भ करना स्वीकार किया। 14 तारीख को मणिपुर से यात्रा शुरू होने जा रही है।